मतलब आपने जैसे 2006 में ये ट्रैक्टर खरीदा हाँ था जी न्यू हॉलैंड 5500, न्यू हॉलैंड और आपने 40,000 घंटे प्लस चालीस चला हजार दिया। घंटे 15 15 दिन तक की ट्रैक्टर की चाबी चौक कौन खींचड़ी जी, स्टार्ट में तेल लगा लेड़ो है, 15 दिन लगातार ट्रैक्टर पंद्रह चलता दिन रहा। लगातार स्टार्ट में ही तेल लगा लियो है जी, बंद तो करियो को नहीं, 15 दिन बाद ही बंद करियो, कंप्यूटर कराम प्लस 600 700 घंटा महीने में ट्रैक्टर चलाई डू है। मतलब उन ट्रैक्टरों में क्या दिक्कत आई थी? थोड़ी बहुत हो ही जाए जी, भी मान लियो आप 2 3 4 या 3 साल 4 साल चलावा भी, बाद में थोड़ी बहुत हर एक ट्रैक्टर में आने लग जाए, हाँ, चुट मुट छोट जो मोट दिक्कत आ होने जाए। लग जाए, और आज वो हो गयो आज हो गयो, आ ट्रैक्टर में बाद दिक्कत को नहीं रोज की, आवाज उसमें कोई टूट फूट हुई टूट है? फूट को नहीं अभी, टूट वाज तो जी पूरा गांव के टोचन गाल के छोड़ दियो, टूट वाज कौन करे पिछले हिस्से की, हाँ आवाज जरूर करे वो पिछले हिस्से में रिडेक्स ना करके, टूट वाज कौन पिछले हिस्से में कोई। नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल, वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज मैं आप लोगों को ना गोदारा जी से मिलवाऊंगा, जो कि संगरिया तहसील के पास में इनका गांव है, और इनके पास है ना 4 हॉलैंड ट्रैक्टर हैं। भाई जैसे ये हॉलैंड न्यू हॉलैंड 7500, ये अपना न्यू हॉलैंड 5620, ये बिल्कुल 2023 मॉडल है, और साथ में और 2 5500, और एक साथ में छोटा महिंद्रा भी रखा हुआ है इन्होंने। तो आपको आप लोगों ने बात करेंगे, भाई देखते हैं, भाई ये जैसे ऐसा क्या खास बात है इस हॉलैंड के अंदर जो इन्होंने अपने पास इतने ट्रैक्टर रखे हुए हैं? भाई जैसे जमींदारों के हक में क्या है, इन ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे और एक एक चीज़ को बताएंगे भाई, क्योंकि इनके पास एक जो ट्रैक्टर है वो कम से कम भी 40,000 घंटे प्लस चला हुआ ट्रैक्टर है। तो चलो एक बार बात करते हैं और फिर बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन नाम पता बताओ। राम राम सारा जाट भैया ने, मेरा नाम रूपेश गोदारा जी, सनोप मोहन लाल जी गोदारा, गांव नगराना, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। वाह जी वाह, धन्यवाद, मज़ा आ गया। एक चीज़ बताओ, जैसे आपने इतने हॉलैंड ट्रैक्टर रखे, 4 हॉलैंड है अपना, एक महिंद्रा रखा हुआ है, तो आप जैसे हॉलैंड फैन हो या फिर इसमें इसके पीछे राज क्या है वो बताओ, कारण क्या है इसके पीछे? फैन नहीं है जी न्यू हॉलैंड का, पर जिमीदार का हक में ट्रैक्टर बड़ी है चलाने में, डीजल एवरेज बहुत ही बढ़िया अच्छी है, मैं सारी कंपनियां ट्रैक्टर चला चला के देखे है जी। जैसे जमींदार के हक में किस तरीके का बढ़िया है, थोड़ा एक बार उसके बारे में थोड़ा समझा। मेंटेनेंस नहीं है जी एक तो। अच्छा, मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस बिल्कुल ही नहीं है, डीजल खर्चो भी बहुत कम है जी, वो बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। इनके मुकाबले में मैं वो ट्रैक्टर 40 41 घंटा चला लियो जी, सब शुरू 2006 में, पहले 2006 मॉडल ट्रैक्टर है वो, ये ट्रैक्टर ने 40 41 घंटा चला लियो पिछलो हिस्सो, अब की बार एक बार खुलियो है, कोई मेंटेनेंस को नहीं, सिर्फ एक रिडेक्स। मतलब आपने जैसे 2006 में ये ट्रैक्टर खरीदा हाँ था न्यू हॉलैंड 5500, और आपने 40,000 घंटे प्लस चालीस चला हजार दिया घंटे 15 15 दिन तक की ट्रैक्टर की चाबी चौक कौन खींचड़ी जी, स्टार्ट में तेल लगा लेड़ो है, 15 दिन लगातार ट्रैक्टर पंद्रह चलता दिन रहा लगातार स्टार्ट में ही तेल लगा लियो है जी, बंद तो करियो को नहीं, 15 दिन बाद ही बंद करियो, कंप्यूटर कराम प्लस 600 700 घंटा महीने में ट्रैक्टर चलाएड़ो है, 600 700 घंटा ट्रैक्टर चलते रेडो कंप्यूटर कराम में, मेंटेनेंस को नहीं बिल्कुल ही, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत को नहीं आवे जी, 2006 को ट्रैक्टर है, सर्विस करवाने के लिए रोक क्या होगा, डीजल पंप सब सग है जेन्युइन। अच्छा अच्छा, साथ का जेन्युइन है, तो फिर टाइम सर्विस हो। आपने और कंपनी चला के देखे हैं या फिर आपने हॉलैंड वगैरह? ना जी, सारा ट्रैक्टर चला के देखे है, इसी कोई कंपनी को नहीं जिकी का आप ना चला के देखे हुए, हर कंपनी को ट्रैक्टर अपनो चलाएडो है, 3 ट्रैक्टर तो मैं अंग सागर ई ट्रैक्टर का सागर सागर नया लिया के भी पुठा दे चुकी हूँ, पर ए न्यू हॉलैंड जिसकी संतुष्टि और किराए का मैं चलावा तो इतनी बचत और मेंटेनेंस इन मुकाबले में भी ई ट्रैक्टर। मतलब उन ट्रैक्टरों में क्या दिक्कत आई थी? थोड़ी बहुत हो ही जाए जी, भी मान लियो आप 2 3 4 या 3 साल 4 साल चलावा भी बाद में थोड़ी बहुत हर एक ट्रैक्टर में आने लग जाए, हाँ चुट मुट जो दिक्कत होने लग जाए, आज हो गयो आ ट्रैक्टर में बाद दिक्कत को नहीं रोज की। मतलब जैसे जो आपका कहना है कि भाई जैसे आपने ट्रैक्टर और कंपनी भी चलाए, हाँ 2 3 ट्रैक्टर इसके साथ में 2 3 ट्रैक्टर नए लेके आपने सेल कर दिए, सेल कर दिए, जैसे 2 3 साल तो चले बढ़िया, उसके बाद क्या है भाई जैसे उनमें ना मेंटेनेंस आनी स्टार्ट हो जाए, छोटे 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 मेंटेनेंस हो जाए, छोटे छोटे नुकसान लग जाए जी, और उसमें किराए के काम में तो उसमें आदमी परेशान हो जाए, किराए काम में देखो जी अब 1 15 दिन को सीजन है मान के चलो जी, कोई ट्रैक्टर में दिक्कत आ गई, 4 दिन बाजार गयो तो 4 दिन तो दिहाड़ी गई ट्रैक्टर की, सगा ऊपर लगे सगा 4 दिन की दिहाड़ी गई, बेदिक्कत आ ट्रैक्टर हमको जी। अच्छा अच्छा, आपने जो ट्रैक्टर से पूरा रगड़ दिया था एकदम पूरा, गट्ठे ही भेज दियो, वो 2006 मॉडल ट्रैक्टर है, सारा ओरिजिनल ट्रैक्टर है जेन्युइन, कोई भी कलर गट्ठी हो। वैसे एक बात और है जी, मैं एक चीज रोकूंगा गोदारा जी, आपने ट्रैक्टर की जब कंडीशन देखा ना, जैसे बोनट वगैरह देखा तो आप रखते ही बहुत संभाल गए हो। हाँ संभाल बढ़िया जी, भैया संभाल पर ही चीज चल है, हाँ संभाल भी बढ़िया करा, टाइम टाइम सर्विस भी बढ़िया हुआ है, पर मेंटेनेंस वगैरह और को नहीं की है, भी चीज भी मजबूत रहे, मेन चीज ये जो कलर को भी बढ़िया ट्रैक्टर है, मजबूती भी ज्यादा है, टूट बाज भी कम है, ड्राइवर भी चला के बहुत खुश हुआ है,
आ ट्रैक्टर ने दूसरो ट्रैक्टर आ ट्रैक्टर के मुकाबले में दूसरो ट्रैक्टर जो ड्राइवर ने दे मत वो नसी मार वो करे नहीं वो लेडी चलावांगा भाई जी। अच्छा अच्छा देखो एक चीज और भी है ना किराया भी जैसे आजकल किराया जो ड्राइवर भी मिले है चलाने में बहुत है वो भी घंटे के हिसाब घंटा 20 घंटा तो नॉर्मल हर आदमी चला दे नहीं तो सुखो ट्रैक्टर चलाना थकावट कोनी आवे थकावट नहीं डीजल खर्चा कम डीजल खर्चो कम है। फिर सबसे बड़ी बात तो चलो डीजल भले ही थोड़ा ज्यादा भी लेता हो पर मेंटेनेंस नहीं है मेंटेनेंस नहीं है एक चलाने में आरामदायक होना चाहिए जी। हाँ किराया आदमी तो हर 24 घंटा चलाना आपने फिर जैसे इसके अंदर कमी क्या महसूस करी कमी और तो इनमें कोई कमी को नहीं जी ना कोई इंजन की ना कोई डीजल की ना कोई कलर की और लिफ्ट तो इनकी बहुत ही जबरदस्त है एक ही सिर्फ कमी है जी मैं पिछले हिस्से की आवाज डैक्सल आवाज करे आवाज उसमें कोई टूट फूट हुई है टूट फूट को नहीं अभी टूट वास तो जी पूरा काम के टोचन गाल के छोड़ दो टूट वास कौन करे पिछले हिस्से की हाँ आवाज जरूर करे वो पिछला हिस्सा मुझे डेक्स ना करके टूट वास कौन पिछले हिस्से में चलो मेन चीज वो है जैसे आवाज आवाज आएगी आवाज जैसे आप तो 2006 से ना 2006 से चला रहे हो ट्रैक्टर को तो आपने जैसे इसके बारे में ज्यादा पता होगा क्योंकि आवाज आ रही है लेकिन 2006 से आज तक टूट फूट नहीं आई टूट फूट किसी ट्रैक्टर की कौन आएगी जी आवाज जरूर करेगा नहीं होलैंड का चलो कोई नहीं देखो वो आपकी बात सही है भाई आवाज आएगी लेकिन टूट क्योंकि जमींदार ये सोचा ना आवाज होगी हो सकता कोई दी चीज टूट जाए थोड़े दिन में वो वाली बात नहीं इसमें है बात मतलब मेन एक ये छोटा महिंद्रा क्यों रख रखे आपने इसके बारे में बताओ थोड़ा सा वो छोटा महिंद्रा तो है जी एक तो लोकल रोज चल है अच्छा छोटे बड़े चौथिया पांचिया ले जाए सीरी पाड़ी ले फिर वो करे एक कोई थोड़ा सा लेना तो न्यू होलैंड को यो 30-32 पर वो माने कोई रेट में ही मिल गयो बाजी बिरिपियाम ट्रैक्टर मिल गयो जना मैं रोज को अपन मतलब आपने क्या था ट्रैक्टर साफ था और हाँ, बिल्कुल जायज पैसा मतलब बहुत अच्छी चीज मिल गई साफ ट्रैक्टर बाजी पी सामने मिल गयो तो आप ले लियो चलो मारे ऊपर ठीक है कोई नहीं जैसे वो वाली बात है ना जैसे आप ले रहे हो चीज हमने तो काम करना है काम करना चाहिए मेन जमींदार की तो सबसे बड़ी रोजी रोटी यही है जी अपनी यही कार है यही जहाज है बढ़िया ट्रैक्टर है जी मतलब मेल में जो आपने होलैंड लिए हैं जो ये ट्रैक्टर वही इनका कारण है जो आप बता रहे हो मेरे हिसाब से भाई जैसे एक तो लंबे समय तक ट्रैक्टर में मेंटेनेंस नहीं आती मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है डीजल खर्चा चाहे डीजल खर्चा देखो वो चलाने वाले के ऊपर बात ड्राइवर के ऊपर बात भी हो जाए ज्यादातर अगर माने चलो थोड़ा बहुत अगर ड्राइवर की गलती के कारण थोड़ा ज्यादा भी है पर वो उससे ज्यादा मेंटेनेंस में बचा लिया बंदा आप वाली बात है जैसे दो सीजन 15 दिन का सीजन हो 2 दिन ट्रैक्टर खराब हो गया उन्हें ठीक करवाने एक तो हरासमेंट जाओ आओ मिस्त्री के पास पैसे भी लगे और काम भी खत्म होया तो डबल ट्रिप 3 गुना नुकसान हो गया लगभग लगभग आदमी तो जी ग्राहक भी टूटे ग्राहक मना के रखना जरूरी है आग लगा अपन टाइम पर ना पहुंच सका तो ग्राहक टूटे बिल्कुल टूटे जी हम भी हो अपनी जगह देखो हम भी कोई काम करो अपना कोई भी दर्जी कपड़े सिलवाओ तो टाइम पर नहीं सिलना तो कौन जाएगा दोबारा ट्रैक्टर लियो जी सब पहला अच्छा अच्छा इनका बाद में गई डेढ़ है सारा इनका सागे सागे 3-4 नया भी लिया के देख लिया बे 2-3 साल चला के पुठा दे दिया प्रो ट्रैक्टर कौन देवा इंगा ही लाइड है सारा का सारा इंगी कमाई कर रही है खूब अच्छी कमाई करी है ट्रैक्टर अच्छा इस ट्रैक्टर ने सारा सारा जी मतलब ये ऐसा आ गया आपका घर में क्योंकि है ना बेटा हो गया कमाओ पुत इनको लाड प्यार भी बहुत है माने ट्रैक्टर को देखो लाड प्यार तो आपके जैसे ट्रैक्टर दिखावा मगर जैसे कलर वगैरह देखो आप जरूर ध्यान था बिल्कुल सारा नया कलर रख रखा है नहीं तो ट्रैक्टर जैसे कंडीशन है ना बिल्कुल खराब हो गया है इतने साल मतलब 17 साल के करीब हो गए 2006-04 वो हो गए हाँ 17 साल लगभग हो गए इस ट्रैक्टर ने आपके पास तो 17 साल में आज तक कोई खराबी नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है वाह जी वाह और ताकत लगाने में कैसे कहे हैं ट्रैक्टर बढ़िया जी इस ताकत में बढ़िया लगा हुआ खूब बढ़िया लगा हुआ है जी डीजल देखता डीजल डीजल खर्च बहुत कम है इंप्लीमेंट भी आपने करना बड़ा बड़ा है 20 तो ये प्रेशर को सेट है आओ इंप्लीमेंट अगर दिखाऊंगा अभी इंप्लीमेंट तो अब देखेंगे वो भी देखेंगे बताया जी हां 13 कल्टीवेटर है तो कोई पतो कौन लगे बढ़िया चल रहा है तो आप ये देखो न्यू होलैंड 5620 ले रहे हो ये अपना ये कौन सा मॉडल है ये वाला वो 2023 है जी अच्छा 2023 मॉडल जनवरी का जनवरी 2023 का जनवरी ये कितने घंटे चला दिया होगा आपने वो तो अब की बार इसी दिन आई होती 350 घंटा 350 चाली हुए 350 घंटे चला दिया है अभी हाँ इन्हें तो भैया बहुत ही कम में चला मैं ज्यादा तो नहीं चलाया है इन तो बहुत ही कम में चलाए फिर भी 350-400 घंटा चाली हो ट्रैक्टर मतलब कम चलाए पीछे भी 350 आप जैसे काम ज्यादा करो किराए का ठीक ठीक और जैसे अपने 7500 है अपना होलैंड भाई जैसे ट्रैक्टर काफी बड़ा है एचपी वाइज भी सारी चीजें में वो 65 HP है जी 75 HP है तो इस हिसाब से जैसे मॉडल भी काफी पुराना है इसमें क्या मेंटेनेंस आई है 7 मॉडल है जी वो भी अच्छा जी वो भी 7 मॉडल है ये आपका कितने दिन का यूज कर रहे हो इसने इतना हो गया जी लमसम पहला 56-20 तो वो दे गए फिर 7500 ले लिया अभी ने 5 साल का लमसम हो गया अच्छा 5 साल आप लग रख रहे हो 5 साल हो गया डीजल में
बहुत ही बढ़िया एवरेज है जी। कंप्यूटर कराम हम दूसरे गियर में किए चलाओ, कोई पतो को नहीं लगा इन्हें। कोई मेंटेनेंस मेंटेनेंस तो लो है बिल्कुल ही, मेंटेनेंस तो की भी कोनी जी आज तक इन। तो मैं 5 साल लगा मैं एक रिपियो भी कौन दिखाई, बस डीजल डीजल खाओ, डीजल लगा ला जी 4 लीटर घंटा वो तेल खावे। दूसरे गियर में सारे दिन किए चला वो करो, आप कोई बटन मारना पड़ा कंप्यूटर करावे लाइक बटन गाती कौन लगाना पड़े। अच्छा। बढ़िया चल रहा है दूसरे गियर में सारे दिन। जिमीदार ने भी संतुष्टि हुआ है और आपने भी संतुष्टि हुआ, आपने बचत भी है। 4 लीटर में जी 1000 रुपया घंटों देवे तो 400 तेल खाता है। ना ना बात सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। अच्छा ये अपना इम्प्लीमेंट ये चलाते हो इन ट्रैक्टर पीछे? हाँ जी। अच्छा अच्छा ये इम्प्लीमेंट रखे हुए अपने, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 20 डिस्क की एरो है। हाँ जी 20 डिस्क। 20 डिस्क की एरो हाइड्रोलिक वाली, ठीक ठीक। अच्छा ये स्ट्रॉ रिपर हो गया, 56 इंची होगा। हाँ जी 56 इंच स्ट्रॉ रिपर है। और बाकी अपने आप तो सारे असंद भी बड़े बड़े ले रहे हो, वो तो ट्रैक्टर के हिसाब से होंगे सारी चीज। हाँ जी बाकी पीछे नौ रन पड़े हैं। अच्छा और पीछे ये तो जैसे नॉर्मल जो जनरल ये जितनी ज्यादा जगह खाली इतनी जगह घर में मिल दिया, बाकी पीछे नौ रन है। जैसे मतलब कुल मिला के जो आपने ट्रैक्टर में ठीक है जो जरूरत के जो इम्प्लीमेंट रेगुलर तो यहाँ रख दिए, बाकी अपने पीछे खड़े कर दिए, पड़े हैं कि खेत में पड़े हैं। हाँ नहीं धीरे काम हो जाए। आपको लगभग कितनी खेती कर दो एक साल में, कितना किराया जैसे कितने के एकड़ का काम कर दो जुताई जी? अपना थोड़ी 20 बीघा की है करगी, पर ठेके ठुके लेके 80-100 बीघा की बाई करा। नहीं जैसे 80-100 बीघा तो अपने खुद की होगी लगा लो, जैसे आप किराया मिला के चारों ट्रैक्टरों में कितना काम कर देते हो साल में? साल में किराया करके 20 लाख रुपया का 6 महीने सीजन में हो जाए जी। 20 लाख रुपये मतलब काम काफ़ी ज़्यादा हो जाए उस हिसाब से अपना ठीक है। 100 बीघा खेती करा आपकी, बाकी किराया चल रहा है जी। नहीं वो पूछना चाह रहा हूँ जी, जैसे कितने एकड़ जमीन जैसे कितने बीघे जमीन आप ना जैसे किराया कर दो एक सीजन पे? एक सीजन में लमसम 400-500 बीघा लमसम चाल रुक रहे आइडिया सा है। 400-500 बीघा हो गया, कोई 200 हो गया किसी में कंप्यूटर, वो बार बार वो आते रहे ना 50 होगी क्योंकि 20 होगी रूटीन में। एक और चीज़ है जैसे किसी में रो निकालनी है, किसी में गोड़ी लगानी है, किसी में रिपर का काम है, किसी में कल्टीवेटर का काम है, तो 400 बीघे ये माने तो 800-1200 में चले जाए, 2-3 बजे खेत में जोतना जुताई हो जाए। तो फिर मारो परमानेंट काम है जी बहुत साल। अच्छा अच्छा 2007-08 में करने लग रहे। चलो कोई नहीं जी कोई नहीं। वैसे आपकी अच्छा लगा आपने जो बताया भाई, जैसे ट्रैक्टर ठीक है ट्रैक्टर एक ओलैंड फैन होना जरूरी नहीं है, पर मेन चीज़ है जमींदार का सबसे बड़ी बात ये है जी मेंटेनेंस ना हो ट्रैक्टर में। डीजल खर्चा भी नॉर्मल है, जायज़ डीजल खर्चा ये नहीं कोई एक्स्ट्रा डीजल खर्चा है, और मेंटेनेंस नहीं है लंबे समय तक ट्रैक्टर चला है, सबसे बड़ी बात यही है और जमींदार को यही बचत आती है। कमाई हुआ जी, जमींदार ने 2 रुपये बचत ना दे तो आप ट्रैक्टर के लेनो अपन कोई आ तो है कोनी भी लूं अपन प्रेम है भी लूं अपनो कोई बैर लोहा तो सारा एक मेन वो है जी जो जमींदार एक सी अपन भाई बेली कंपनियां का सारा एक सा ट्रैक्टर किसी कंपनी को कोई मड़ो कोनी। हाँ हाँ। पर अपन जी को अच्छो लगा अपन जी को 2 रुपये बचा के दे अपन तो वो ही अच्छो लगे। देखो एक तो पसंद भी है जी सारे दिन चलावा भी ना अपन जी अपन 1000 रुपये इनाम बचत काट के देवे फिर भी ट्रैक्टर रखे फायदो की चीज आप तो इसी रखा भी अपन 2 रुपये इनकम हुए आप इनकम खातिर ही रखा। फिर एक और चीज़ बता रहे हो जैसे ट्रैक्टर आपने और भी यूज करे हैं, हम नाम नहीं लेते किसी भी कंपनी का, पर उनमें क्या था 2-3 साल बाद मेंटेनेंस आनी स्टार्ट होगी, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक कैश के हैं, इनमें वो चीज़ नहीं आई बस मेंटेनेंस को नहीं बिल्कुल ही। मेंटेनेंस का मामला में एक ड्राइवर बात के चला लेगा जी, इशू ड्राइवर है। ड्राइवर को भी देखो एक फायदा है ना, आज उठाऊ आज साथ के साथ ड्राइवर को भी देख फायदा है ना जी, जैसे ड्राइवर माने चलो भाई जुताई के हिसाब से आप जितने एकड़ जमीन जोते उस हिसाब से आपने किराया मिलेगा, तो उस हिसाब से देखा जा तो ड्राइवर ने फायदा ये ट्रैक्टर चलाने में है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते टाइम उसने मेंटेनेंस नहीं होनी, ट्रैक्टर का ब्रेकडाउन नहीं होना तो ट्रैक्टर खुल कर चलेगा मजे चलाओ बिना चिंता को नहीं होगी, कोई चीज़ टूट बाज जाएगी अपन ओढ़ मुआ जाएगा ये गरीब अपन कोई मालिक रूड़ा करे बात चिंता को नहीं हुए वो बेधड़क को खुले दिल काम करे वो आप खुले दिल ना काम तो काम भी बोझ बद करे वो ज्यादा करा उसने भी ज्यादा बचेंगे आपने भी ज्यादा बचे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ठीक। वैसे ये 40,000 घंटे प्लस से ट्रैक्टर दिखा दे जी एक बार बोनट उठाई हो जाए एक बार खोलिए बोनट एक बार उधर जाना तो बोनट खोलो एक बार देखें थे अंदर कैसा क्या रख रहा है ट्रैक्टर। वैसे आपका ट्रैक्टर कंडीशन तो बाहर बता रही है ट्रैक्टर की आप संभाल के बहुत ज्यादा रख रहे हो ट्रैक्टर ने का ये देख लो बस पूरा संभाल के देखो जो बच्चा है अपना भी बालक ने बच्चे ने पैदा इसलिए करें बड़ा करें बड़ा हाथ बटावा खेत क्यार में और ये अपना शुरू कर रख दो नीचे रख दो। अच्छा मीटर वो है क्या आपने बदलवा दिया? मीटर वो है जी। अच्छा मीटर वो है इसका अब तो स्क्रीन फेट सी होगी। अच्छा 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 दिखाना कौन लग रहे हो। अच्छा अच्छा वो एक टाइम के बाद तो बंद भी हो जाए ना इतने साल बाद भी चीज चलनी मुश्किल हो जाए बस आपने टायर बदलवाया ट्रैक्टर चलाया बस और कोई काम
ठीक ठीक और कुछ भी कौन प्रोवाइड हो, देखो जी कोई किल्ली सारी कोई प्ले कौन किलियां मैं कोई और कौन सारी जेन्युइन किल्ली जेन्युइन हुक जेन्युइन पिना ओरिजिनल लिंका गोडा सब ओरिजिनल पड़े है। मेन चीज ये है बचत आओ बंदे ना देनी मैं दुखी होता रहा गसाई भी कोई नहीं गसाई कौन गिसाई नहीं वो मेन चीज वो है जी मेंटेनेंस नहीं रखते जो आप गसाई को नहीं लोग ही लोग बढ़िया लगाई ठीक 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 वो है मेन चीज जो आप बता रहे शुरू से भाई जैसे जमींदार ने मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर में वो नहीं लंबे समय के बाद लंबे समय में यूं कम तो ऊपर फिर के चले जी ना 40,000 घंटे प्लस को थोड़ा नहीं होता जी ट्रैक्टर कहने वाली बात है कहने वाली बात है जी 100 भी कहेंगे भाई हुआ तो ट्रैक्टर साल में 700 घंटा साल है मैं सही 650-700 घंटा जिम्मेदार है मैं तो 41,000 घंटा हम देखो कितो को काम करी होगा को बहुत काम कर रहा है इसका तो वाली बात काम भी याद नहीं हो सकता ओरिजिनल ट्रैक्टर है। चलो जी गोदारा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बड़ी अच्छी चीज बताई जमींदार हो गया जो हक की बात है मेन कारण जो ट्रैक होलैंडर रखने का तो यही था जैसी वीडियो लाइक कमेंट करें जरूर बता देना वीडियो पसंद है चलो सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक करना शेयर करना थैंक यू दोस्तों। ये वजलदार गोदारा जी नगराना गांव के रहने वाले और इनके पास होलैंड ट्रैक्टर हैं जैसे होलैंड 7500 और ये होलैंड 5620 और ये अपना होलैंड अपना 5500 और साथ में एक और 5500 और इस ट्रैक्टर को हो गए 40,000 घंटे से ऊपर ऊपर ट्रैक्टर चलाते हुए हो गए ये अपना गोदारा जी अपना जेलदार गोदारा जी जो कि ये होलैंड ट्रैक्टर भी देखो 2023 मॉडल और 300-350 घंटे चल लिया ये तो आज इनसे बात करेंगे और ट्रैक्टर के बारे में पता करेंगे इन्होंने बड़ा अच्छी चीज़ बताई भाई जमींदार के हक में कैसा है ये ट्रैक्टर कैसा नहीं है।